आइए आज करते हैं इस व्लॉग का आगाज। आइए देखें, आपको दिखाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी जगह जो बातें के मैं लेके आया हूँ। ये देखें, ये साहिल पे, ये देखें, घूमें मेरे साथ, एंजॉय करें। ये देखें कितना प्यारा बाग है, कितना किया नजारा, वाह। ये देखें, आँखों को ठंडक मिलेगी, हरियाली। दोस्तों जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहें, ये खूब नज़ारे देखें। ये देखें, ये सामने मटर लगा हुआ है, ये देखें ब्यूटीफुल, वाह क्या बात है। ये देखें, यहाँ पे आए, खूब खाएं पिएं, घूमें फिरें, मज़े करें। ये देखें, सिर्फ चावल लेके आए इधर और घी, उसके बाद भूखा नहीं रहोगे। घी, चावल और नमक, क्या लेके आएंगे? नमक, चावल और घी, हर चीज़ मिलेगी आपको। फिश भी मिलेगी, सामने फिश है, फिश मिलती है, वहाँ से पानी है उसमें से फिश मिलती है। अगर नहीं पकड़ सकते किसी से ले भी सकते हैं, और यहीं पे ही, यहीं पे बना सकते हैं अपना बैठ के सुकून से। स्वादिष्ट, वाह ब्यूटीफुल, इतना मीठा जायका है इसका, कसम से। ये देखें, इतना मीठा जायका है इसका, बेहतरीन है। वाह माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत। इंसान बोले ना, मैं अगर नमाज पढूं, अल्लाह की इबादत करूं, काम नहीं करूं, क्या करूं? काम करना मैं चाहिए वैसे। ये देखें, ये दाने देखें इसके, प्यारा, एकदम पाक और शिफाफ, पाक और शिफाफ, और इतना प्यारा जायका है, मैं क्या बताऊं आपको। ब्यूटीफुल, चलिए आगे चल के देखते हैं, देखें और बताएं कैसा लग रहा है। ऐसा पुरसकून माहौल कहीं नहीं मिलेगा। जब भी इंजॉय करना हो, बच्चों को लाना हो, कैसे भी मज़े करें, खाएं पिएं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और खूबसूरत है मौसम, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम है यहाँ का। ये देखें, आलू मिलेगा,
मिर्ची मिलेगा, टमाटर मिलेगा, लहसुन प्याज सब मिलेगा यहाँ, धनिया पुदीना सब मिलेगा यहाँ, सिर्फ नमक और जो है ना चावल लेके आए। नमक और चावल जब लेके आएंगे तो जितना भी होगा ना मज़ा आ जाएगा, वो पकाएं और खाएं। अच्छा तो अब हम चलते हैं, आपको कुछ और दिखाना है वो दिखा दें, चलें हम आपको कुछ और दिखा दें, वो भी इससे वो भी अच्छा है, सब ब्यूटीफुल है माशाल्लाह, प्यारा है, ये देखें वाह कैसा लग रहा है। घूमते रहे हमारे साथ, देखा कैसा लग रहा है। देखें और ये गिर जाता है, देखें पानी देखें, वाह सामने झुग्गी देखें, कसम से मज़ा आ जाएगा एंजॉय। और फिश मिलती है, बड़ी बात यह है, इतनी प्यारी फिश मिलती है इस पानी में से, क्या बताऊँ मैं आपको, कभी नहीं खाई होगी ऐसी फिश जो इस पानी में से, मीठे पानी में से मिलती है हमें, माशाल्लाह नेमत है नेमत। ये देखें किश्ती मिलेगी, बाहर जाना है कश्तियाँ भी हैं यहाँ पे, किश्ती लगी हुई हैं आगे खड़ी हुई हैं, वो उधर गई हुई हैं, जब आएंगी तो हम आपको इंशाल्लाह किश्ती की सैर करवाएंगे इसमें। ये देखें देखा दोस्तों कैसा लगा, और ये गिर जाता है यहाँ पे, जब पानी आता है ना तो ये ज़मीनें काटता है, तकरीबन काफ़ी बड़ी बड़ी जैसी बिल्डिंग की जगह होती है उतनी बड़ी जगह ये पानी काट देता है जब पानी तेज़ होता है, तो उस टाइम फिश इतना अच्छा लगता है मैं क्या बताऊँ, ऊपर ऊपर होता है। जब पानी आ रहा हो ना यहाँ पे आप नहीं खड़े हो सकते, वो पता नहीं वहाँ से ज़मीन काटेगा, वहाँ से ज़मीन काटेगा, आप तो यहीं देख रहे होंगे, वो वहाँ से ज़मीन काटेगा और जो है ना उसको जितना जितना बड़ा घर है या दरख्त है कुछ भी खड़ा हुआ है यहाँ पे, वो इसमें डाल देगा और पता भी नहीं चलेगा। जिसको तैरना नहीं आता वो तो वैसे ही गया, तो जिसको तैरना आता है उसको पता है ये गिर जाऊंगा यहाँ से। इंजॉय कीजिए अपना हफ्ते का दिन, इंजॉय कीजिए और चलिए कुछ और देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के कुछ और देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा भाइयों, आगे चल के देखते हैं आगे का मंज़र, आपको दिखाएंगे ब्यूटीफुल चीज़ें, आप खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप ज़रूर खुश हो जाएंगे देख के ना चीज़ें, हमारा आपका दोस्तों।
दोस्तों और मेरी बहनों और भाइयों, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये देखें, ये पत्थर पड़े हुए हैं, उस पे आप कुछ भी बना सकते हैं उससे, जो है ना। जैसे कि सर्दियाँ आई थी, जिसको ठंड लगती थी वो आग लगा के ही अपना फिश भी भून लेता था और सर्दी भी दूर। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आप आएंगे इधर और देखेंगे ये नज़ारे। वाह, ये देखें कितना प्यारा है। ये खास तौर के लिए हमारे उन परदेसी भाइयों के लिए जो इस वक्त परदेश में है, तो उनको घर की याद आती होगी या फिर वैसे बच्चों की याद आती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आगे की वीडियो देखने के लिए अगर दिल चाहे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये चलें आगे दिखाएं आपको, ये देखें। और काफ़ी लोग भी आते हैं यहाँ पे माशाअल्लाह, और अपने इसी गांव के भी आते हैं जिनकी इधर उधर जो मतलब ज़मीन है, तैयार ज़मीन, मतलब जो जो कुछ पानी बिचारों की पानी में चली गई वो तो ज़ाया हो गई ना, जो पानी में गई ज़मीन वो तो ज़ाया हो गई, घर भी गया, बच्चे भी गए, बीवी भी गई। दोस्तों ये देखें, ये ज़मीनें हैं इनकी बिचारों की, और उसमें दरख्त लगे हुए हैं, उनमें उनके बच्चे रहते हैं, उनका सामान पड़ा हुआ है, और उसके जानवर खड़े हुए हैं, बैल गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। रोज़ी आपको तो पता है कैसा वक्त चल रहा है, आप देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना मुझे, आप देख रहे हैं कि कैसा वक्त चल रहा है। और अगर किसी बेचारे का ऐसे नुकसान हो जाता है, इस पानी में चला जाता है, ओके दोस्तों आज के लिए इतना। अगर आगे वीडियो देखनी हो आपने तो ज़रूर चैनल